Hyderabad International School, CBSE Plus Exceed syllabus, which is followed in eight countries, Modern Plus Islamic Education, five-step activity-based and playway method. असलम नाजरीन आप सब का खैर मकदम है एटीन तेलंगाना न्यूज़ पर आज सात अगस्त सैटरडे का दिन है आए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें शख्स ब्लूटूथ हेडफोन अपने कान पर लगाकर इस्तेमाल करते दौरान अचानक वो ब्लूटूथ हेडफोन फटने से उसकी मौत वाकई हो गई बताया जा रहा है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए वो ब्लूटूथ हेडफोन का इस्तेमाल कर रहा था और कान पर लगाया हुआ था जिसकी सबब वो फटने से इंतकाल कर गया जयपुर पुलिस ने कहा यह वाक़ा उदयपुरिया गाँव जयपुर डिस्ट्रिक्ट चमू टाउन में पेश आया जुम्मे के दिन यानी कल मरने वाले शख्स का नाम राकेश कुमार नगर है जब राकेश अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था उसके घर पर उसी दौरान ब्लूटूथ हेडफोन फटने से कान में उसकी मौत वाक हो गई इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में अड़तीस नए कोविड 19 केसेस दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटों में 617 लोगों की मौत वाकई हुई कोरोना वायरस के सब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कोविड 19 टेस्टिंग को लेकर स्कैम किया जा रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कई लैब्स पर छापा मारा और पता चला कि कुम्भ मेला के दौरान फर्जी कोविड 19 टेस्टिंग की गई एजेंसी के मुताबिक बताया गया कि गैर कानूनी पैसों के ताल्लुक से मालूम करने के दौरान ये भी पता चला कि ये लैब्स को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था रैपिड एंटीजन टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने यानी कोविड नाइन्टीन टेस्टिंग करवाने कुंभ मेला में शरीक होने वालों को 2021 में ये लैब्स तमाम कुंभ मेला के दौरान फर्जी रैपिड एंटीजन टेस्ट किए और आरटीपीसीआर टेस्ट किए जिसमें कोविड नाइन्टीन टेस्टिंग की फर्जी रिपोर्ट बनाई गई और गैर कानूनी तरीक़े से पैसे कमाए धोखे से नाइन बाई इलेवन फैमिली मेंबर्स ने यूएस प्रेसिडेंट जोय बाइडेन को एक खत लिखे जुम्मे के दिन और मांग की कि तैख़ात की जाए सऊदी अरब के तलुक़ से और टेररिस्ट अटैक पर और नई पॉलिसी का आगाज़ करें रियाद के लिए अब इंडिया में जल्दी जॉनसन एंड जॉनसन्स की वैक्सीन मिलेगी यूएस फार्मा जॉनसन एंड जॉनसन्स को मंजूरी मिल गई है सिंगल डोज कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन के लिए ये अप्रूवल इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ई ने दिया है इंडिया के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मनसुख मंदाविया ने सैटरडे के दिन कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा इंडिया के शहरों को मुफ्त राशन मिला इस कोरोना वबा के चलते जिसमें शामिल 5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश से हैं। ये बात उन्होंने जब कही तब वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना से इस्तीफादा हासिल करने वाले लोगों से वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे थे पीएम मोदी ने कहा की सौ साल में ऐसे खौफनाक वबा पहली बार आई है जो सबको मुतासर कर रहा है उन्होंने कहा की मास्क पहनना जरूरी है सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना जरूरी है ताकि कोरोना वबा को ख़ाबों में किया जा सके चीफ साइंटिस्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा कि जुम्मे के दिन अगर सार्स कोव टू अपने नए म्यूटेंट्स पैदा करते रहेगा डेल्टा वेरिएंट से भी खौफनाक वेरिएंट सामने आ सकता है और ये सबको मुतासर करेगा उन्होंने साथ ही ये कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने का खौफ है और इसी बीच उन्होंने डर जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को मुतासर कर सकती है इस कोरोना की लहर से बचने जरूरी है तैयारी करे